नरम और मुलायम दाबेली गुजरात के कच्छ की एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड डिश है, जिसे गुजरात के साथ साथ मुंबई महाराष्ट्र में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि कच्छ की इस मशहूर दाबेली का स्वाद अब आप इंदौर में भी ले सकते हैं? जी हाँ, गुजरात के कच्छ की इस मशहूर डिश का स्वाद आप इंदौर में भी ले सकते हैं। स्वाद में यह दाबेली खट्टी मीठी होती है और इसे मस्का पाव के नाम से भी जाना जाता है। इस दाबेली में मसाला आलू के साथ और भी बहुत कुछ डाला जाता है। दाबेली पश्चिम भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है। यह दिखने में तो बर्गर जैसा लगता है, लेकिन इसका स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा और नमकीन रहता है। आपको बता दें, आजकल इंदौर में भी कच्छ की मशहूर दाबेली की डिमांड बढ़ रही है। इंदौर वैसे भी खान पान का शहर है, इसलिए यहाँ भी इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इंदौर में इसकी पाल दाबेली की दुकान चलाने वाले रमेश सिंह ने बताया कि कच्छ की मशहूर दाबेली गुजरात के कच्छ क्षेत्र का प्रमुख नाश्ता है, पर उनकी दुकान में इंदौर में भी इस डिश को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। रोज़ाना उनकी दुकान से लगभग 200 प्लेट दाबेली आराम से बिक जाती है। उन्होंने बताया कि हमारी दुकान में 25 रुपये प्रति प्लेट दाबेली दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस दाबेली का मसाला काफ़ी खास रहता है। इस सब्जी नुमा मसाले मिक्स मसाले में आलू, टमाटर, चुकंदर, पनीर, ये जो आपकी दुकान है यहाँ आप कच्छ की मशहूर दाबेली खिलाते हैं? ये जो आपकी दुकान है यहाँ आप कच्छ की मशहूर दाबेली खिलाते हैं? क्या है दाबेली, कैसे बनती है और इंदौर में आप इसे लेकर कैसे आए? ये गुजरात का फास्ट फूड है। अच्छा, कच्छ का मशहूर आइटम है। हाँ, इसको बनाया कैसे जाता है, क्या प्रोसेस रहती है इसको बनाने की? सभी सब्जी मिक्स रहती है इसमें। अच्छा, आलू, पनीर, गाजर, टमाटर, चुकंदर, हाँ सब मिक्स रहता है इसमें। अच्छा, फिर इसमें मूंगफली दाने रहते हैं। अच्छा, तो इसमें मसाला क्या कुछ खास होता है जो इसमें, ये जो मसाला डाला जाता है लाल कलर का, वो मसाला दाबेली का स्पेशल रहता है। अच्छा, उसको पहले से तैयार करके रखते हैं? हाँ, तैयार ही बना हुआ आता है। अभी क्या लोगों का रिस्पांस है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे दाबेली को अभी क्या रिस्पांस मिल रहा है? ठीक है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हाँ? क्या रेट रहता है इसका, रेट क्या रहता है प्रति प्लेट? 25 रुपए प्रति प्लेट। नाम बताइएगा एक बार अपना। रमेश सिंह। अच्छा,